मैं अपनी बात करने से पहले एक वाकया मेरे साथ हुआ है, वो मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा। अमेरिका से मिस्टर कोबर्ट आए थे और करोलबाग में एक होटल है भारत होटल, वहाँ पर एक मीटिंग थी और देश से करीब 70 लोग आए हुए थे और वहाँ पर ये 4 दिन के कार्यशाला थी जिसमें ये बताया गया था कि हमें दलितों आदिवासियों के लिए वकालत जन वकालत कैसे करनी चाहिए। ढाई दिन प्रशिक्षण देने के बाद जब मेरा नंबर आया कि बताना है कि प्रेजेंटेशन देना है, तो प्रेजेंटेशन जब मैंने दिया तो वहाँ पर सारे लोग जो है नाराज होने लगे। मेरा प्रेजेंटेशन व्यक्तिगत अनुभव पर था, कामन वेल्थ घोटाले का नाम आप लोगों ने सुना होगा, गूगल करेंगे उमेश बाबू कामन वेल्थ गेम तो बहुत सारे मिल जाएगा। और भी बहुत सारे कांड हुए हैं जिस पर हम चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन तो हमारा अनुभव था उत्तर प्रदेश नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारे स्टेट का। हमने अपने अनुभव पर बताया कि इस समाज का मुद्दा क्या है, अमेरिका जैसा मुद्दा नहीं है, यहाँ पे जैसा मुद्दा है, तो वो लोग नाराज हो गए। मेरे एक साथी ने बोला कि उमेश बाबू आप उनको वो बात बता दो जो ये सुनना चाहते हैं। मैंने कहा कि मुझे आधे घंटे का पास ओवर चाहिए। दोबारा जब हमने प्रेजेंटेशन दिया तो वहाँ पर हाल पूरा तालियों से गड़गड़ा हुआ, पूरी रात सो नहीं सका क्योंकि मैं झूठ बोला और लोगों ने मुझे सम्मान दिया। जब मैं सच बोल रहा था तो लोग नाराज हो गए थे। आज कुछ ऐसे ही सच बोलने जा रहे हैं, ये राजनीतिक न्याय की जो बात होती है, राजनीति की बात हो चुकी है बहुत, राजनीतिक न्याय है क्या? और संविधान के बाहर पहले पन्ने पर लिखा हुआ है व्हाट इज पॉलिटिकल जस्टिस। आपके 125 सांसद हैं और 1100 एमएलए हैं, प्रतिनिधित्व का चयन अगर नहीं होगा तो पॉलिटिकल जस्टिस आपको नहीं मिलेगा। रिप्रेजेंटेटिव 132 पहले भी थे 1950 में भी और आज भी हैं और हजार साल बाद भी रहेंगे। आप किसको भेज रहे हैं और क्या करने के लिए भेज रहे हैं, इसका क्या है आपके पास पैमाना? अगर वो पैमाना नहीं है तो बेकार है, यहाँ पर पूरा दिन का ये सारा बेकार है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हर चीज डिसाइड होती है पार्लियामेंट से, लेकिन वहां आप कैसे लोगों को भेज रहे हैं और क्यों भेज रहे हैं? 132 और 1100 एमएलए में क्या उनके साथ जस्टिस हो पा रहा है पॉलिटिकल जस्टिस? अगर नहीं तो वो आपके साथ कैसे कर पाएंगे? बाबा साहब ने क्यों कहा कि इनका जो है अलग से जो है बात होनी चाहिए? क्यों एससी एसटी के लोग ही अपने प्रतिनिधि चुने? उन्होंने क्यों कहा यह बात? और क्यों सारे सोशियोलॉजिस्ट सारे पॉलिटिशियंस तत्कालीन पूरी दुनिया के लोगों ने मान भी लिया, उसको अपने अपने देशों में अपनाया भी, लेकिन भारत में आज बहुजन उसकी बात क्यों नहीं करता है? मुझे खोट नजर आ रहा है आज के नेताओं और विद्वानों में उसकी बात। मेरे एक साथी बोलते हैं ये तो असंभव है, असंभव असंभव की बात नहीं है, बात सच तो बोलो। सही बात, संभव संभव तो बात की बात, लेकिन सच बोलने में क्या, सच बोलने से डरते हैं। तो पॉलिटिकल जस्टिस का अवेयरनेस का जो है थोड़ा सा एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर इन हाउस, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जब हम अपने मुद्दों को सामने रखकर के बात प्रतिनिधि को चुनते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर प्रतिनिधियों के चरित्र का विकास होता है। और हम उस अगर अपने मुद्दों को साथ सामने नहीं रखते हैं, अपना चेहरा देखकर के ओढ़ देते हैं, तो फिर वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर खत्म हो जाता है। संस्कृति की बात हो रही है, हमारी संस्कृति है कि परिचय से प्रेम होता है, चेहरा देखकर के प्रेम नहीं होता है, ये ब्राह्मणवादी संस्कृति है। लेकिन हमारा परिचय ही नहीं है, हम देखकर के चेहरा वोट दे देते हैं, जब चिन्ह बदल बदल करके वोट दे देते हैं, उससे नहीं होगा। तो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर इन हाउस को हम जब बदलना है, या वैसे ही 135 सांसद जाने हैं, ये हमें तय करना है। आपने चेहरे बदल चिन्ह बदल बदल करके कांग्रेस भाजपा सपा बसपा सारे चिन्ह बदल करके देख लिए हैं, राज्यों से लेकर के केंद्र सरकार पर आपको सभी प्रधानमंत्री को छोड़कर बाकी सारे कुर्सी मिल गई है। लेकिन क्या हुआ? तो इसलिए
जो बाबा साहब जय भीम अगर बोल रहे हैं तो आपकी बातें भी जय भीम जैसे होनी चाहिए, वरना तो ये फर्जी जय भीम है। आपके कानून आपके व्यवहार में बात चलनी चाहिए। स्पेन में मेरा भाषण था, मेरे साथ भारत के भी और दूसरे लोग थे, लंदन स्कूल आपके प्रोग्राम से प्रोफेसर कोर आए हुए थे, बुजुर्ग दुनिया में नहीं है। लेकिन दो घंटे तक जब हम लोगों का वार्तालाप चलता रहा, वो आकर के हमारे पीछे खड़े होकर के बोल रहे हैं लास्ट में हे डॉक्टर अम्बेडकर हे महात्मा गांधी। हमने अपनी बात में बाबा साहब का नाम एक बार भी नहीं लिया। बात के अल्फाज में बाबा साहब जिंदा होने चाहिए आपके, वो ये तो जबरदस्त ही बात है कि हमारे अल्फाज में हमारे समझ में आए नहीं, नाम ले लेकर अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं। साथियों बातें दो मिनट और मैं लूंगा, बजट का बात है, इकोनॉमिक्स में दिल्ली गवर्नमेंट के सरकारी इकोनॉमिस्ट यहाँ के दलित आदिवासियों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। उन्होंने अपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस में प्रॉब्लम बताई थी, क्या प्रॉब्लम आ गई है दलितों के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो प्रोग्राम है डिविजिबल है और इनडिविजिबल है। इकोनॉमिक्स की भाषा में ये डिविजिबिलिटी और इंडिविजिबिलिटी मैथमेटिक्स के टर्म्स से इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल नहीं करते। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सीनियर ऑफिसर थे, दिल्ली या दिल्ली गवर्नमेंट में जब बात हुई मीटिंग हुआ तो उन्होंने बोला हम इसको हटा देंगे, हटा दिया, फिर दो साल के बाद कर ला दिया। यह चीजें जो हो रही है अब जीरो सम गेम बोलते हैं आप लोगों ने इकोनॉमिक्स, ये तो फर्जी इकोनॉमिक्स क्या बताया इन सबको। इकोनॉमिक्स बहुत बेईमान है, वो अपने सब्जेक्ट के साथ बेईमान है, पब्लिक के साथ तो बेईमान बाद में होंगे। डॉक्टर साहब बुरा नहीं मानेंगे, मैं आपको ये आपकी बिरादरी को इकोनॉमिक्स वाली बिरादरी को मैं बोल रहा हूं मैं है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स अपने सब्जेक्ट के साथ ईमानदार नहीं है। जीरो सम गेम जहां जहां दुनिया में लोकतंत्र है वहां मनाही है, इलीगल है। लेकिन भारत में अगर दलितों की जमीन नहीं है, आदिवासियों की जमीन नहीं है, जीरो सम गेम का मतलब सुन लीजिए, 100 रुपया है, दो दो आदमी के पास 50-50 रुपया है, दोनों मिलाकर 100 रुपया हो गया, 100 रुपये का जुआ होगा, एक आदमी के हाथ दूसरे आदमी के जी, दूसरे आदमी के पास जो पैसा आएगा वो दूसरे पहले आदमी के पास कम होगा वही आएगा। तो यही जीरो सम गेम अगर आज आदिवासियों की जमीन के ऊपर सरकार ने आदेश दिया है तो किसके पास जाएगा? दूसरे के पास। जितनी सरकारी नौकरियां हैं जिसकी कम होगी वो किसके पास जाएगा? जितना बजट है वो इनका कम होगा तो किसके पास जाएगा? ये जीरो सम गेम का कानून बनता है इन बातों, और यह गैर कानूनी है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज से पूछ रहे हैं गैर कानूनी है, लेकिन हो रहा है और सदन इसको पारित कर रहा है। तो सदन में आपके प्रतिनिधित्व का चरित्र नहीं है तो ऐसे ही चीजें पारित होती रहेंगी। और आप बोले हमको भी नहीं बनना, हमको भी हम लोग कुछ ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि हम तय करेंगे कौन जाना चाहिए सदन में हमारा आदमी, हम तय करेंगे कि बहुजन समाज तय करेगा कि कौन जाना चाहिए। समाज राजनीति के लिए, समाज की बलि राजनीति कुर्सियों के लिए नहीं दी जा सकती। अगर मैं नेता बनना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री बनना चाह रहा हूं, तो मेरे लिए समाज की बलि नहीं दी जा सकती, नेता की बलि भी नहीं दी जा सकती, लेकिन नेता को सेक्रीफाइस कर सकता है, समाज जिसको चाहेगा वही बनेगा। तो हम लोग इस कार्यक्रम की भूमिका बना रहे हैं कि कौन कौन से लोग जाने चाहिए, उसकी भूमिका जल्द ही तैयार हो जाएगी, फिर हम आप लोगों को बीच में पेश किया जाएगा। और अपने अगर आने वाले 2019 का जो सियासी गर्मी है, मेरे साथी ने बोला सियासी गर्मी है और इसमें आपको दिखाना पड़ेगा, यही पॉलिटिकल क्राइसिस है जब आप नेगोशिएट कर सकते हैं। और यही पॉलिटिकल क्राइसिस एक बार आई दिल्ली में तो कोई भी नेता बन गया, वही पॉलिटिकल क्राइसिस तो 2014 में आई तो कोई भी नेता बन गया, और वही पॉलिटिकल क्राइसिस अभी भी है। आपके सामने अवसर है, अगर आप चूक गए तो पता नहीं कब फिर आएगा, अब मौका जय जब आए।